हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सब लोगों के लिए जो अपने बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और ये सेलिब्रिटीज़ भी ये वाला मेथड यूज़ करते हैं अपने बालों के टेक्सचर को सही करने के लिए, क्योंकि उनके बालों में कई तरह के केमिकल्स यूज़ होते हैं स्टाइलिंग के लिए, कभी स्ट्रेट करते हैं, कभी कर्ल्स करते हैं। तो इसमें हम आज लेंगे कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, और उसमें मिलाएंगे बादाम रोगन, आमंड ऑयल। किसी भी कंपनी का आप आमंड ऑयल ले सकते हैं, आजकल अच्छे अच्छे आमंड ऑयल मौजूद हैं मार्केट में। तो इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑलिव ऑयल प्लस आमंड ऑयल, क्योंकि आमंड ऑयल जो होता है वो थोड़ा थिक होता है और लगाने में आपको थोड़ा ग्रीजी चिपचिपा लग सकता है, तो आप इसको ज़रूर मिक्स करिए कोकोनट ऑयल के साथ या ऑलिव ऑयल के साथ। और इसमें हम मिक्स करेंगे विटामिन ई के कैप्सूल्स। तो विटामिन ई के कैप्सूल्स को आप जस्ट प्रिक करके उसका सीरम निकाल लीजिए। और मेरे बाल के जो लेंथ है इतने लेंथ के लिए आप दो कैप्सूल्स विटामिन ई के उसमें मिक्स करिए। तो ये हमारी तैयार है हमारा ऑयल बालों में लगाने के लिए। और जब भी आप बाल धोना हो आपको, उसके एक दिन पहले आप रात को ये वाला ऑयल लगा के रखिए ओवरनाइट, और दूसरे दिन आप शैम्पू कर लीजिए। और यदि आप ओवरनाइट बालों में तेल नहीं लगा के रख सकते, बिजी हैं आप या भूल गए बाल धोना है, तो आप 15 मिनट 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले बालों में ये तेल ज़रूर लगाएं। लेकिन तेल बिना लगाए कभी भी हेयर वॉश मत करें, क्योंकि तेल जो है वो बालों का खाना है, और जब आप हेयर वॉश करते हैं तो आपका जो नेचुरल ऑयल होता है वो भी रिमूव हो जाता है बालों से। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें कि जब भी आप हेयर वॉश करते हैं बालों को तेल लगाइए, आधे घंटे कम से कम रखिए और तभी आप हेयर वॉश करिए। और एवरी 2 to 3 days आप ज़रूर इस बाल तेल को यूज़ करें बालों के लिए, और 1 month में आप अपने बालों का टेक्सचर में बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और ज़रूर मेरे से आप मैसेज में मेरे को बताइए आपके बालों में क्या इम्प्रूवमेंट आया। और इस रेसिपी को, इस ऑयल को आप अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। बेस्ट लक फॉर योर हेयर, एंड आई होप यू विल गेट अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल हेयर बाय यूजिंग दिस ऑयल। थैंक यू।